नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज से इस लक्ष्मी योगा हाउस की ऑनलाइन क्लासेस में। चलिए आज से हम योग की एक नई शुरुआत करते हैं अपने शरीर के लिए, स्वयं के लिए। किसी भी ध्यान अवस्था में सुखपूर्वक बैठ जाइए। सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन, दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा लगाइए। अंगूठा और पहली उंगली मिलाते हुए आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पर एक मुस्कान, गहरा श्वास भरेंगे और तीन बार ओंकार का उच्चारण। नमस्कार मुद्रा, गायत्री मंत्र। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदया। ॐ शांति शांति शांति। दोनों हथेलियां रगड़ेंगी और गरम गरम हथेलियां आंख में चेहरे पर। धीरे से पैर सीधे कीजिए, दोनों पंजे सीधे, दंडासन की स्थिति, कंधे पीछे, हथेलियों का रुख आगे की तरफ, थाइस के पास रखे, श्वास भरिए, दोनों पंजों को अंदर खींचिए, श्वास छोड़िए बाहर की तरफ। अपनी श्वास के प्रति सजग रहेंगे पूरा एक घंटे तक। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, और अपने पंजों को खींचेंगे अंदर और बाहर, चलाते जाएंगे। श्वास लें, श्वास छोड़ें, श्वास लें, श्वास छोड़ें, श्वास लें, श्वास छोड़ें। अच्छे से पंजों को अंदर और बाहर करना है। हम पूरे दिन इन पर वजन रखते हैं, इसलिए इनकी एक्सरसाइज होना बहुत अच्छे से जरूरी है। एंड रिलैक्स, दोनों पैर में दूरी कीजिए और गोल गोल घुमाइए, रोटेट कीजिए अच्छे से एंकल जॉइंट्स को। चाहे तो दोनों को एक साथ अपोजिट लेके जाएं, चाहे दोनों को एक ही डायरेक्शन में लेकर चलें, लेकिन रोटेट अच्छे से कीजिए। श्वास लेते और छोड़ते रहें। एंटी क्लॉकवाइज उल्टा चलाएं, ब्रीद इन एंड आउट, चलते जाएं, श्वास लें और श्वास छोड़ें। रुकेंगे, स्ट्रेच योर फिंगर्स, उंगलियों को टाइट कीजिए और ढीला छोड़िए, टाइट कीजिए और ढीला छोड़िए, टाइट कीजिए और ढीला छोड़िए। दोनों पैर सीधे कीजिए, राइट लेग का अंगूठा उठाते हुए थाइस के पास में रखेंगे, श्वास भरेंगे पीछे जाएंगे, श्वास छोड़ेंगे आगे आएंगे, चलते जाएं, श्वास भरे और श्वास छोड़ें, चलते जाइए। ब्रीथ कीजिए जिससे जितना हो, बस अपनी गर्दन को नीचे नहीं लाना, जबरदस्ती इसको इस तरह से नीचे नहीं खींचना है। अपने को कमर के हिस्से से, सैक्रम वाले हिस्से से आगे चलना है, श्वास लेते और छोड़ते हुए। होल्ड कीजिए कुछ देर, रुके रहें और स्ट्रेच करें, ब्रीथ करें, श्वास लीजिए और छोड़िए सजगता पूर्वक।
अपने अंगूठे की तरफ देखते चले जाएं, ब्रीद करते जाएं, श्वास भरें, पीछे जाइए, रिलैक्स, पैर सीधा कीजिए, दूसरा पैर अपने लेफ्ट लेग को मोड़िए, थाई के पास में रखिए राइट, श्वास भरेंगे पीछे, श्वास छोड़ेंगे आगे, चलते जाओ, जिससे जितना हो धीरे धीरे करते चले जाएंगे, कभी भी एक साथ क्लास स्टार्ट नहीं रखते, एक साथ चरम पर नहीं पहुंचते, धीरे धीरे डीप ब्रीदिंग, श्वास लें, श्वास छोड़ें, ब्रीद आउट, श्वास लें, श्वास छोड़ें, चलते जाएं, होल्ड डाउन, रोके रुके रहें, श्वास लेते और छोड़ते रहें, एंड रिलैक्स, विश्राम, धीरे से पैरों को सीधा कीजिए, यस, खड़े होंगे, दोनों पैर सीधे, दोनों अंगूठों की गद्दी को नीचे दबाइए, दोनों हाथ पीछे, शोल्डर्स को पीछे कीजिए, गर्दन की एक्सरसाइज, श्वास भरेंगे गर्दन पीछे, श्वास छोड़ेंगे ठुड्डी को कंठ को में लगाएंगे, श्वास भरेंगे पीछे, श्वास छोड़ेंगे ठुड्डी को कंठ को में लगाएंगे, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे, कंटिन्यू कीजिए 8 से 10 बार, स्ट्रेचिंग को फील कीजिए, थायराइड ग्लैंड के लिए अच्छी, फील से बीच में आके रुके, दाएं बाएं, श्वास भरे छोड़ते हुए राइट, भरे बीच में छोड़ते हुए लेफ्ट, भरे बीच में छोड़ते हुए राइट, भरे बीच में छोड़ते हुए लेफ्ट, भरे बीच में श्वास छोड़ते हुए राइट, भरे श्वास छोड़िए, धीरे से बीच में आके रुके, गर्दन को साइड में लेकर जाएं, श्वास छोड़ते हुए पैंट कीजिए, श्वास भरे बीच में छोड़े दूसरी साइड, कंटिन्यू कीजिए, सूर्य देवता की कृपा हम पर बनी हुई है, श्वास लेते और छोड़ते रहें, श्वास भरे श्वास छोड़े श्वास भरे, अगर आपको गर्दन स्टिफ लगती है तो अपने बाएं हाथ से दाएं तरफ के हिस्से को साइड में खींचिए, उसको सपोर्ट दीजिए, श्वास भरे श्वास छोड़िए, स्ट्रेच कीजिए, गर्दन की साइड की स्टिफनेस को कम करता हुआ ब्रीथ, धीरे से फिर से श्वास लें और श्वास छोड़ें, श्वास लें और श्वास छोड़ें, धीरे से बीच में आके रुकेंगे, यस, वन राउंड क्लॉकवाइज, अनदर राउंड एंटी क्लॉकवाइज, गर्दन को गोल गोल घुमाएंगे, लेकिन जिनको सर्वाइकल है, चक्कर आते हो, हाई बीपी है, गर्दन को गोल ना घुमाएं या आधा चक्र ही घुमाएं, धीरे से बीच में आके रुकेंगे, दोनों हाथों को आगे खींच लीजिए, दूसरी साइड एंड रिलैक्स, दोनों पैरों में दूरी, मूवमेंट ऑफ वेस्ट रोटेट, अपनी कमर को गोल गोल घुमाइए, चलाते जाएं, श्वास लेते और छोड़ते जाइए, 8 से 10 चक्र, कमर की स्टिफनेस को खत्म करता हुआ, एंटी उल्टा चलाएं, ब्रीथ कीजिए, श्वास लेते और छोड़ते जाएं, विश्राम, धीरे से दोनों पैर सीधे, दोनों हाथों को साइड से कंधों पे रखिए, शोल्डर रोटेशन के लिए श्वास भरे पीछे से लार, श्वास छोड़ते हुए आगे से नीचे, ब्रीद इन एंड आउट, बाल बिगाड़ो प्रोग्राम, श्वास भरें और श्वास छोड़ें, चलते जाइए, फ्रोजन शोल्डर के लिए अच्छी एक्सरसाइज, ब्रीद इन एंड आउट, इस तरह से नहीं करना है, दूर दूर आराम से लेके जाइए, पीछे से श्वास छोड़ते हुए आगे, बाल बनाते हुए प्रोग्राम कीजिए, श्वास भरें श्वास छोड़ें, श्वास भरें और श्वास छोड़ें, चलते जाइए,
Breathe in and out. And in. And relax. Dono haath side se niche. Vishram. Shithil. Dono pairon mein duri kijiye. Dono haath side mein. Spinal twist ke liye. Edi ko jameen pe chipka kar rakhenge. Shwaas lete aur chhodte chale jayenge. Breathe in and out. श्वास लें और श्वास छोड़ें। जिन्हें सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो धीरे करेंगे अदरवाइज उन्हें चक्कर आ सकते हैं। श्वास लेंगे छोड़ते हुए स्ट्रेच करेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए स्ट्रेच करेंगे धीरे धीरे। वो लोग ज्यादा तेजी से नहीं घूमेंगे, बाकी के लोग तेजी से घूमेंगे, चलते जाएंगे धीरे धीरे, अपनी गति को बढ़ाते हुए जाएंगे। ब्रीद इन एंड आउट। चलते जाइए, श्वास लेते और छोड़ते जाइए। गति को धीमा करते हुए रुकेंगे। विश्राम, रिलैक्स, ब्रीथ कीजिए, पूरा शरीर ढीला छोड़ दीजिए, आंखें कोमलता से बंद कीजिए। लंबा गहरा श्वास भीतर, लंबा गहरा श्वास बाहर। दोनों पैरों में दूरी कीजिए, शोल्डर से थोड़ी सी ज्यादा दूरी। अपने राइट हैंड के अंगूठे को लेफ्ट हैंड से पकड़िए। यस, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ स्ट्रेच करेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए दूसरी साइड चलेंगे। जिस साइड अंगूठा पकड़ रखा है उसी साइड चलते चले जाइए। राइट हैंड का अंगूठा पकड़ रखा है राइट हैंड साइड में, श्वास लेते और छोड़ते जाएं, अपने आप को स्ट्रेच करते चले जाइए। ब्रीथ, एड़ी को ऊपर उठाइए, श्वास लें, श्वास छोड़ें, स्ट्रेच कीजिए, श्वास लें, श्वास छोड़े ऊपर स्ट्रेच कीजिए, श्वास लें, श्वास छोड़ते हुए अंगूठा वही स्ट्रेच करके रखिए, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, स्ट्रेच, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट एंड रिलैक्स। अब अंगूठा बदली करेंगे, दूसरा अंगूठा पकड़ेंगे, श्वास लें, श्वास छोड़ते नीचे स्ट्रेच करते जाइए। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, एड़ी को पलटाइए, श्वास लें, स्ट्रेच करें, श्वास छोड़ें, श्वास लें, श्वास छोड़ें, दोनों एड़ियां ऊपर उठाएं, स्ट्रेच कीजिए, श्वास भरिए, श्वास छोड़िए। जबरदस्ती ना करें, जिससे जितना हो धीरे धीरे। ब्रीथ बी दें, स्ट्रेच एंड रिलैक्स। विश्राम, शिथिल, स्टार्ट जॉगिंग, चलने लगिए, चले और चले, चलना है कम से कम 10 मिनट। चलिए 10 नहीं तो 5 मिनट चलना स्टार्ट कीजिए। दर्द है, घुटनों में दर्द है, कूद नहीं सकते, कोई दिक्कत नहीं, चल तो सकते हैं। सजगता पूर्वक चलते रहेंगे तो धीरे धीरे हर चीज ठीक होती है। अगर हम हमारे शरीर के प्रति अवेयर होके करते हैं कोई भी काम, चाहे मूवमेंट दे खाली उंगलियों का, तो वो भी हमारे पूरे शरीर के लिए काम करता है। खाली ये सोचें, ओहो इतना कूदना पड़ेगा, इतना चलना पड़ेगा, या इतनी एक्सरसाइज करूंगी तभी मैं ठीक होंगी या होऊंगा, ऐसा नहीं है। बस चालू होइए, स्टार्ट कीजिए, फर्स्ट स्टेप सिर्फ चलना। यस, बैकवर्ड जॉग, पीछे मारिए। जो लोग कूद नहीं सकते सिर्फ मूवमेंट दीजिए,
अपनी एड़ी को अपने बटक्स की तरफ लेकर जाइए, श्वास लेते और छोड़ते जाइए। कूदना जरूरी नहीं है, सजगता पूर्वक अपने शरीर के प्रति कुछ करना अच्छा है। चलते जाएं। Yes, simple. Breathe. Active relaxation. चलते रहें। Slow down. और चलिए। धीरे धीरे अपनी स्टैमिना बढ़ाइए। थक जाएं, तो बीच में रुकेंगे। Simple, सिर्फ चलेंगे। रुकने का मतलब ये नहीं कि होल्ड करेंगे। Slowly चलते जाएंगे। Jumping jack. Move out, श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। जो लोग कूद नहीं सकते सिर्फ चलेंगे। बाकी के लोग कूदिए, चलते जाइए। अगर आपकी श्वास भर रही हो तो धीरे धीरे यहां पर अपनी श्वास को लंबा गहरा कीजिए। मुंह से भी छोड़ सकते हैं, अच्छे से नाक से लो और मुंह से छोड़ो, लेकिन चलते हुए चलते रहें। रस्सी कूदेंगे, जंप जंप, और जो जंप नहीं कर सकते सिर रेडी ऊपर भाएंगे। बाकी के लोग जंप करते रहिए, श्वास लेते और छोड़ते रहिए। अगर आप श्वास के प्रति अवेयर हैं एक घंटे तक, तो आप प्राणायाम भी साथ में कर रहे हैं, इसलिए श्वास के प्रति सजग रहिए। चाहे तो ट्विस्ट कीजिए, ब्रीथ, चलते जाएं। कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ अपर बॉडी मूवमेंट करिए। बाकी के लोग ट्विस्ट करते जाइए। ये सस्सी कूदिए, चलते रहे। अपनी स्टैमिना से थोड़ा सा ज्यादा, बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर मैं 4 बार कूद पा रही हूं तो मैं 6 बार कूदूं। यस, स्लो डाउन, ब्रीथ, एक्टिव रिलैक्सेशन, श्वास को सामान्य कीजिए। श्वास लेते और छोड़ते रहिए। यस, अपनी मैट पे पीछे होइए, श्वास भरेंगे हाथ ऊपर, श्वास छोड़ेंगे नीचे, ब्रीथ इन, श्वास भरेंगे ऊपर, श्वास छोड़ेंगे नीचे, चलते जाओ।
जो ये नहीं कर पा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ चलेंगे, फॉरवर्ड मार्च करेंगे। जरूरी नहीं है हर चीज की जाए, धीरे धीरे उसको बढ़ाइए, श्वास भरिए, चलते जाओ। श्वास भरिए, एक्टिव रिलैक्सेशन, ब्रीद, स्लो डाउन एंड रिलैक्स, ब्रीद। मुख धौती क्रिया, नाक से श्वास लीजिए, मुंह से श्वास छोड़िए। श्वास भरें ऊपर, विश्राम, रिलैक्स, ब्रीथ करें। लंबा गहरा श्वास भीतर और बाहर, जो अब तक किया उसे फील कीजिए। इस बीच अगर आपको पानी की प्यास लगती है, आपको लगता है कि आपको थोड़ा सा पानी पीना है, तो थोड़ा सा पानी पीजिए। आंखें बंद और रिलैक्स करेंगे, जो अब तक किया उसे फील करते जाएं। दोनों पैर सीधे, अपने राइट लेग के पंजे को पकड़िए, घुटने से मोड़ते हुए स्ट्रेच करें, ब्रीथ कीजिए। दूसरे पैर को सजग रखिए, धीरे से नीचे, लेफ्ट लेग के पंजे को पकड़िए, स्ट्रेच कीजिए, अंगूठे की गद्दी को नीचे दबाइए, थाई मसल्स को ऊपर खींचे, जो पैर नीचे रखा हुआ है उसके, ब्रीथ करें, स्ट्रेच करें, घुटने को सीधा रखिए, रिलैक्स, राइट लेग का घुटने को ऊपर उठाइए, होल्ड कीजिए, ब्रीथ। दूसरे पैर को सीधा कीजिए जो नीचे है, रिलैक्स, चेंज कीजिए, ब्रीथ कीजिए। रिलैक्स, श्वास लें और छोड़ें, राइट लेग का पंजा पकड़ें, स्ट्रेच करें। अगर इस तरह से बैलेंसिंग ना बनती हो तो दीवार का सहारा लेकर भी इसे कर सकते हैं। स्ट्रेच करें अच्छे से, श्वास लेते और छोड़ते रहें, ब्रीथ कीजिए। धीरे से नीचे, दूसरे पैर से भी इसी तरह से करें, स्ट्रेच करें, श्वास लें और छोड़ें। अपनी एड़ी को अपने बटक से दूर लेके जाइए, रिलैक्स, विश्राम, राइट लेग का पंजा उठाइए, स्ट्रेच कीजिए, ब्रीथ। रिलैक्स, चेंज करें, इसे हम दीवार के सहारे भी कर सकते हैं, ब्रीथ। दीवार को पकड़ लें अगर दीवार हो साइड में, होल्ड कीजिए। धीरे से बीच में आके रुकें, अब अपने राइट लेग के पंजे को रखिए, लेफ्ट थाइस के ऊपर, होल्ड करें, श्वास भरते हुए ऊपर, स्ट्रेच करें, ब्रीथ कीजिए। दृष्टि सामने के किसी भी एक बिंदु पर एकाग्रचित कीजिए, चाहे तो दीवार का सहारा ले लें, अगर आपके पास दीवार है होल्ड करने की कोशिश कीजिए। और अब जो लोग नीचे जा सकते नीचे जाए, बाकी के लोग इसी तरह से खड़े रहें। धीरे से श्वास छोड़ते हुए नीचे जाइए, जो लोग जा सकते हैं स्ट्रेच करें।
श्वास भरिए ऊपर और धीरे से हाथ नीचे, पैर नीचे, चेंज करेंगे दूसरा पैर, ब्रीद इन, होल्ड, अपने पैरों को सजग रखिए, अपने हाथों की उंगलियों को सजग रखिए, अपने शरीर के हर प्रत्येक अंग को सजग रखिए, श्वास छोड़ते हुए जो लोग नीचे जा सकते हैं जाएं, श्वास भरते हुए ऊपर और धीरे से हाथ नीचे, विश्राम, रिलैक्स, ब्रीथ करें, लंबा गहरा श्वास, आंखें बंद, फील करें, दोनों पैरों को सीधे कीजिए, अंगूठे की गद्दी को नीचे दबाइए, दोनों पंजे कंधों की समानांतर, श्वास भरते हुए दोनों हाथों पर उठाइए, लेफ्ट हैंड की कलाई को पकड़िए राइट हैंड से, स्ट्रेच करके रखिए, थाई मसल्स को ऊपर खींचिए, सैक्रम वाले हिस्से को ऊपर खींचिए, अंगूठे की गद्दी को नीचे दबाएं, यस 20 काउंट्स, राइट साइड में बैंड करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, होल्ड, रोके, श्वास लेते और छोड़ते रहे, ब्रीथ कीजिए, दोनों पैरों पर बराबर वजन रखें, आंखें बंद रखें, अपने साइड में हो रही स्ट्रेचिंग को फील कीजिए, श्वास भरते हुए ऊपर और हाथ धीरे से नीचे, विश्राम, चेंज करें, वापस से दोनों हाथ ऊपर उठाइए, राइट हैंड की कलाई को लेफ्ट हैंड से पकड़िए और लेफ्ट साइड में बेंड करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, होल्ड कीजिए, रोकिए, श्वास लेते और छोड़ते हुए रहें, ब्रीथ करते रहिए, श्वास भरते हुए ऊपर और हाथ धीरे से नीचे, विश्राम, रिलैक्स, अगर कंधों में स्ट्रेन आया हो तो मार ले, रिलैक्स कीजिए, पूरा शरीर शांत और शिथिल, जब तक ये ऐसे फील करें, अग्नि सात क्रिया, दोनों पैरों में दूरी कीजिए, दोनों हाथ घुटनों से 4 इंच ऊपर, पूरा श्वास बाहर खाली करेंगे, अच्छे से श्वास भर लीजिए पहले, फिर पूरा श्वास बाहर खाली कीजिए, चाहे नाक से चाहे मुंह से, और पेट को अंदर खींच लीजिए, जब पेट पूरा अंदर खींच जाए उसके बाद अपने पेट का मूवमेंट दीजिए अंदर और बाहर, श्वास भरिए, श्वास छोड़िए, पेट को अंदर खींच लीजिए और अब हिलाइए इसको बिना श्वास लिए,
श्वास भरते हुए ऊपर। कंटिन्यू कीजिए। अब जिसको सफोकेशन होता हो बिना श्वास के नहीं कर सकते, स्टार्टिंग के अंदर श्वास के साथ ही कीजिए मूवमेंट ऑफ एब्डोमेन विद ब्रीदिंग। श्वास के साथ करें, श्वास भरते हुए ऊपर। फिर से रिपीट कीजिए, 6 times करेंगे। बिना श्वास के कीजिए, जो लोग बिना श्वास के कर रहे हैं, जो लोग श्वास के साथ कर रहे हैं वो श्वास के साथ कीजिए। अग्निसार क्रिया, अग्निसार क्रिया बिना श्वास के पेट का मूवमेंट, पूरे ऑर्गन्स की मसाज, आमाशय के हर एक अंग की मसाज। हो सकता है स्टार्टिंग में एक दो बारी पेट ले, ऊपर आके श्वास लीजिए, फिर से दोबारा से कीजिए, फिर से श्वास भरिए, पूरा श्वास बाहर खाली करो, पेट को हिलाओ अंदर बाहर। विश्राम, रिलैक्स, ब्रीद, श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। अब जिनके घुटनों में दर्द है वो हल्का सा नी बैंड करेंगे, सिर्फ हल्का सा। बाकी के लोग 15 बार दंड बैठक करते हुए फिर नीचे बैठ जाएंगे। बाकी के लोग सिर्फ नी, जो जिनके घुटनों में दर्द है सिर्फ मोड़िए और फिर धीरे से नीचे बैठ जाएंगे। ये स्टार्ट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, बैठ जाइए और धीरे से पैर सीधे कीजिए। श्वास लें और छोड़ें, आंखें बंद, फील कीजिए। दोनों पैर सीधे, दंडासन की स्थिति में आइए। यही तेजी करते हुए पंजों को अंदर घुमाइए और दबाएं घुटनों को जमीन की तरफ और हिला छोड़िए। घुटनों की एक्सरसाइज, श्वास भरिए, दबाएं घुटनों को जमीन की तरफ, ताप मसल्स को रोटेट करते हुए एंड रिलैक्स। फिर से श्वास भरिए, दबाइए नीचे, होल्ड कीजिए 10 counts मिनिमम, दबाएं दबाएं दबाएं, 5, 6, 7, 8, 9, 10, रिलैक्स। कम से कम 10 बार मिनिमम। अगर आपके घुटनों में दर्द है इस एक्सरसाइज को कीजिए। अगर आपके पास कोई कपड़ा, कोई टॉवल, कोई बेल्ट, कुछ भी इस तरह का है तो उसको भी हम लेकर दबा सकते हैं और होल्ड कर सकते हैं। दबाएं, दबाएं, दबाएं और ढीला छोड़ें, दबाएं, दबाएं, दबाएं और ढीला छोड़ें। इस तरह से मदद करते हुए घुटने की, साथ में धूप खाना जरूरी, 20 मिनट की धूप जरूर खाइए, स्पेशली प्रातःकालीन। और ढीला छोड़ें, दबाएं। बिना धूप के न तो मसल्स चलते हैं, न जॉइंट्स चलते हैं, न हड्डियां चलती हैं। ढीला छोड़िए, दबाएं एंड रिलैक्स। विश्राम, शिथिल, गहरी श्वास लें और छोड़ें। यस, बैठिए सुखासन। जिनके घुटने में दर्द है वो सुखासन में बैठिए। बाकी के लोग यहाँ पे सिद्धासन। अपने राइट लेग के एड़ी को सीधी के पास में रखें और लेफ्ट को उसके पास में रखिए। दोनों हथेलियां ज्ञान मुद्रा में घुटने के ऊपर, कमर सीधी, कपाल भाती क्रिया के लिए
श्वास छोड़ते चले जाएंगे। जो लोग सीधा नहीं बैठ सकते या रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं है, वो इस तरह से कोई चादर कोई गद्दी अपने पास में रखें और उसे अपने बटस के नीचे रख सकते हैं। ढलकते हुए बैठे, एक बार मैं दिखाती हूँ। आराम से अपनी चादर को लीजिए, मैट को लीजिए, गद्दी को लीजिए और उसके ऊपर ढलकते हुए बैठिए। इससे आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाएगी और आप अपने आप को ओपन फील करेंगे। और फिर श्वास छोड़ते जाइए। करते जाएं, कंटिन्यू कीजिए। जो लोग पद्मासन लगा सकते हैं वो लोग पद्मासन लगाएं, श्वास लें और छोड़ें, श्वास छोड़ते चले जाएं, सॉरी, श्वास छोड़ते चले जाइए, पद्मासन लगाइए। खुले में करने से कपालभाति करते जाएं, खुले में करने से सुबह की धूप में हमें विटामिन डी मिल रहा है। अल्ट्रावायलेट रेज जो सन की हैं वो हमारे शरीर के ऊपर पड़ रही हैं और उसकी वजह से हमारे शरीर में विद्यमान विटामिन डी एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी सारी मसल्स, हमारी हड्डियाँ, हमारा एक जॉइंट बहुत अच्छे से काम करता है। आप श्वास छोड़ते चले जाएं। अगर आपको लगे कि आपकी कमर में दर्द हो रहा है श्वास छोड़ने से, क्योंकि कई बार जिनकी कमर में दर्द रहता है वो लगातार अगर कपालभाति क्रिया करते हैं तो उनकी कमर में दर्द आता है, तो प्लीज पहले सिर्फ एक्सहेलेशन कीजिए, श्वास छोड़ते जाएं 10 गिनती, फिर एक इनहेलेशन लीजिए, फिर श्वास छोड़ते जाएं, फिर एक इनहेलेशन। उसके बाद में जब जब जैसे जैसे हम लोग कमर की क्रियाएं करते चले जाएंगे हमारे शरीर बैलेंस होता चला जाएगा, कमर का दर्द दूर हो जाएगा और हम कपालभाति क्रिया अच्छे से कर पाएंगे। एक साथ जबरदस्ती, क्योंकि सबने कहा है कपालभाति क्रिया अच्छी होती है इसलिए करते जाओ और कमर को टॉर्चर करते जाओ, प्लीज नहीं करें। धीरे धीरे बढ़ाइए, पहले सिर्फ एक्सहेलेशन पे ध्यान दीजिए, 10 एक्सहेलेशन, फिर 20 एक्सहेलेशन, फिर 30 एक्सहेलेशन, इस तरह से कंटिन्यू कीजिए। फिर हम कपालभाति क्रिया स्टार्ट करेंगे जो कि 40 के बाद में स्टार्ट होती है। उसके बाद में हम एक बार में 120 श्वास तक छोड़ सकते हैं और फिर उन्हें एक श्वास लीजिए अच्छी वाली। कपालभाति क्रिया एक्टिव एक्सहेलेशन है, इनहेलेशन बिल्कुल माइनर होता है, तो ये नहीं है कि हम श्वास नहीं ले रहे, हमें सफोकेशन होता है, सिर्फ श्वास छोड़ने पर ध्यान देना होता है। देते जाइए, कंधे पीछे, कमर सीधी, कमर को ड्रॉप आउट मत कीजिए, श्वास छोड़ते जाइए। कपालभाति क्रिया की आप मध्यम गति रख सकते हैं, तेजी से ना गिरे, धीरे धीरे बढ़ाएं, धीरे धीरे अपनी गिनती को बढ़ाइए। विश्राम, रिलैक्स, शिथिल, अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए राइट हैंड के अंगूठे से राइट नोस्टल को बंद कीजिए, लेफ्ट से इनहेल कीजिए, बाई नासिका से श्वास भरिए, पूरा श्वास भर लीजिए, चेस्ट को एक्सपैंड कीजिए, धीरे से दूसरी नोस्टल को बंद कीजिए और पहली पाली से श्वास को धीरे धीरे बाहर छोड़िए, फिर पुनः भरिए, इनहेल और धीरे धीरे दूसरी नासिका से श्वास को बाहर छोड़िए, एक्सहेल। कंटिन्यू कीजिए, बाएं से श्वास भरिए बिना आवाज के, बिना तनाव के, धीरे धीरे श्वास भरते चले जाइए और धीरे धीरे दूसरी नासिका से श्वास को बाहर छोड़िए, कंटिन्यू कीजिए, श्वास छोड़ते जाएं,
फिर उसी से भरिए जिससे छोड़ा है, उसी से भरिए जिससे छोड़ा है, और दूसरी से बाहर बाएं नासिका से श्वास भरें, दाएं से छोड़ें, दाएं से भरें, बाएं से छोड़ें। आप सोच रहे होंगे कि ये दोनों उंगलियां मैंने दोनों आंखों के मध्य क्यों रख रखी है। आप चाहें तो आप भी रख सकते हैं, लेकिन मैं हर किसी को इंगित नहीं करूंगी कि ये दोनों उंगलियां अपने आज्ञा चक्र पर रखी जाए। दोनों भुवों के मध्य आज्ञा चक्र होता है, अनुलोम विलोम करते चले जाएं, जहां पर जैसे ही हम ये दोनों उंगलियां वहां पर रखते हैं हमारा आज्ञा चक्र एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो इससे कई लोगों को आपके सिर में भारीपन लग सकता है, तो अगर वो लगता हो तो आप अपनी उंगलियों को दूर रखिए, जरूरी नहीं उंगलियां रखी जाए। इसलिए सिर्फ श्वास भरें और धीरे धीरे दूसरी नाक से छोड़ें, भरिए और दूसरी नाक से श्वास को बाहर छोड़िए। इसी तरह से कंटिन्यू करते चले जाइए, अपनी श्वास के म्यूजिक को सुनिए, उस रिदम को सुनिए जो आपको ईश्वर ने इस संसार में रहने के लिए दिया है। इतनी भागम भाग में शायद ये क्वारंटाइन टाइम, ये लॉकडाउन इसीलिए दिया गया है। भगवान ने सोचा कि हम प्रकृति से दूर हो गए हैं, स्वयं से दूर हो गए, तो सजग बनिए स्वयं के प्रति, स्वयं की श्वास के प्रति, और फील कीजिए जितनी लंबी और गहरी आपकी श्वास होगी उतना ही आप अपने आप को स्वस्थ महसूस करेंगे, और जितना आप धीरे छोड़ेंगे उतना आपके भीतर एक पेशेंस लेवल बढ़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और टॉक्सिन्स बाहर आएंगे, फेफड़े अच्छे से काम करने लगेंगे, हार्मोन्स बैलेंस होने लग जाएंगे क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम एक्टिवेट हो गया है। अनुलोम विलोम प्राणायाम एक स्लो प्रक्रिया है लेकिन बहुत अच्छा प्राणायाम है, अच्छे से करें और हर कोई कर सकता है। ये जरूरी नहीं है कि कौन करे कौन नहीं करे, सिर्फ श्वास के प्रति सजग होना। लेफ्ट से इनहेल चालू किया था, लेफ्ट पर ही एक्सहेल करते हुए क्रम को पूरा करेंगे। धीरे से विश्राम, हाथ को नीचे ले आए, पैरों को सीधा कीजिए, खोल लीजिए, रिलैक्स कीजिए, दोनों पंजे सीधे, दोनों घुटनों को वापस से पुनः जमीन पर दबाइए, दबाए एंड रिलैक्स। चक्की संचालना, दोनों पैरों में जितनी दूरी हो सकती है उतनी दूरी कीजिए, ब्रीद, श्वास लें और छोड़े, कमर सीधी कीजिए, ब्रीद कीजिए, पंजे सीधे कीजिए, दोनों हाथों को ऊपर लाइए, श्वास लें छोड़े फ्रॉम द लेफ्ट साइड और चलते जाएंगे, ब्रीद करते जाएंगे। चलिए 20 काउंट्स मिनिमम, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, चलते जाएं। 8, 9, 10, 11, जो लोग ऊपर नहीं जा सकते वो थोड़ा पीछे जाके आ सकते हैं, 13। स्टार्टिंग हमेशा अपने शरीर को जानते हुए कीजिए, धीरे धीरे बढ़ाएं, चलते जाओ, 15, 16, 17, 18, 19, 20, अपोजिट, श्वास भरें छोड़ें, 1, 2, 3, मैंने तो कह दिया पंजों से हाथ बाहर निकालो, लेकिन हो सकता है नहीं निकले, मुझसे इतना ही हो रहा है, तो सपोर्ट लीजिए अपनी चद्दर का, अपनी गद्दी का, अपने तकिए का, बटस के नीचे रखिए, और फिर करेंगे तो आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होगी और आपको मूवमेंट देने में कोई परेशानी नहीं होगी, थोड़ा आप और अपने आप को कंफर्टेबल फील करेंगे, चलते जाइए।
धीरे से बीच में आकर के हाथ नीचे विश्राम रिलैक्स कीजिए। दोनों पैरों को पास में लाइए, श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। शरीर रिलैक्स, ब्रीथ। रिलैक्सेशन के अंदर हाथों को पीछे रखते हुए आंखें बंद, दोनों पैर सीधे कीजिए। अपने राइट लेग का घुटना उठाइए, लेफ्ट लेग के पास में रखिए वक्रासन के लिए। अपने लेफ्ट हैंड को कोहनी से धक्का मारिए, राइट लेग के घुटने को धक्का मारिए और अपने राइट हैंड को पीछे की तरफ ले जाएं। स्ट्रेच कीजिए, होल्ड, रुके रहें, ब्रीथ करें। अपनी चेस्ट को ओपन कीजिए, खुद को जितना ट्विस्ट कर सकते हैं ट्विस्ट कीजिए, श्वास लेते और छोड़ते हुए। ब्रीथ, होल्ड। जो लोग इतना भी नहीं कर सकते कोई नहीं, अपने अंगूठे अपने हथेली से अपने घुटने को अंदर की तरफ दबाएं, चेस्ट को ओपन करें। हो सकता है कोई लोग पैर सीधे इस तरह से ना रख पाए, पास में रखें, घुटने को मोड़ के होल्ड करें। जो लोग इसके आगे कर सकते हैं वक्रासन के लिए, वो लोग अपने कोहनी से धक्का मार के रखें, एंकल जॉइंट को पकड़ें, स्ट्रेच करें, हाथ को कमर पे रख सकते हैं, कंधे को पीछे की तरफ खींच सकते हैं। रुके रहिए, शुगर मेटाबॉलिज्म को तेज करता है, लिवर और पैनक्रियास की मदद करता है, इंसुलिन सेक्रेशन, फैटी डिपोजिशन को खत्म करने के लिए मदद करता है। धीरे से राइट हैंड नीचे, दूसरा हाथ नीचे, पैर सीधा, चेंज करेंगे दूसरे पैर से, क्रॉस कीजिए, अपोजिट हैंड से पकड़िए और घूम जाइए, टर्न कीजिए, इतना हो रहा है इतना कीजिए, क्रॉस नहीं हो रहा, पंजा जमीन पे नहीं रखा जा रहा, साइड में रखिए, हाथ को पकड़ के घूम जाओ, जितना घूम सकते हो टर्न करो। ये हो जाता है इजीली, यहाँ रखो घुटने को, पकड़ो चेस्ट को ओपन करो। ये हो जाता है तो कोहनी से धक्का मारो, पुश करो। ये हो जाता है तो एंकल जॉइंट को पकड़ो, टर्न करो। ये हो जाए तो हाथ को कमर पे रख दीजिए, स्ट्रेच कीजिए, कंधा पीछे, होल्ड करके रखिए इस तरह से। धीरे से बीच में आइए, हाथ को नीचे लाइए, दूसरे हाथ को नीचे लाइए, पैर सीधा, विश्राम रिलैक्स, शिथिल लेटेंगे, पेट के बल लेटिए, पूरा शरीर ढीला छोड़ दीजिए, अंगूठा अंदर एड़ियां बाहर, दोनों पैर सीधे, दोनों हथेलियां सीने के पास रखेंगे भुजंगासन के लिए। दोनों पंजों को सीधे कीजिए, श्वास भरते हुए ऊपर जाएंगे, ब्रीद इन, और आगे की तरफ स्ट्रेच करेंगे खुद को, कंधों को पीछे सजगता पूर्वक पीछे स्ट्रेच कीजिए, और ऊपर जा सकते हैं जाने, फोल्ड कीजिए। जो लोग इस तरह से नहीं कर पा रहे, दर्द है कंधों में, दर्द है कमर में, दर्द है स्टार्टिंग में, आराम से कीजिए, हथेलियां कोहनियां जमीन पे रखिए, ऊपर की तरफ में आपको खींचिए, धीरे से नीचे लाइए, श्वास भरिए, ऊपर खींचिए, स्ट्रेच कीजिए, श्वास छोड़िए, श्वास भरिए, ऊपर की तरफ स्ट्रेच कीजिए। सिर्फ टेस्ट वालों के लिए विशेष लाभकारी इस तरह से अर्धभुजंगासन, बाकी के लोग ऊपर होल्ड करके रखिए, ब्रीथ कीजिए, पूरे उंगलियों से लेकर अपने पैरों की उंगलियों अंगूठे तक सजाए, कंधों को पीछे, सबाई तरह तो सामने देखिए, नहीं तो ऊपर की तरफ। अधोमुख श्वानासन, पीछे जाइए, एड़ी को जमीन पे टिकाइए, स्ट्रेच कीजिए,
धीरे धीरे अपनी एड़ियों को भी ऊपर उठाएं, ये आपकी कमर को फ्लेक्सिबल बनाने में सपोर्ट करता है, स्ट्रेस लेवल को कम करता है। ब्रीद इन एंड आउट, एड़ी को जमीन पे टिकाइए, स्ट्रेच डाउन, एड़ी को ऊपर उठाइए, एड़ी को नीचे लाइए, धीरे से भुजंगासन में जाइए, स्ट्रेच करें, वापिस से अगम श्वानासन, जिनके घुटनों में दर्द है इसी तरह से कीजिए, बाकी के लोग फ्रॉग जंप के लिए कूदेंगे, श्वास लेते छोड़ते हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, गो बैक, पीछे जाइए, हाथों पे वजन लाएं, सामने देखें, होल्ड करें, रोकें, यहीं पे श्वास लेते और छोड़ते रहें, धीरे से कोहनियां मोड़ते हुए नीचे आ जाए, विश्राम, रिलैक्स, शिथिल, पूरा शरीर ढीला छोड़ दीजिए, शरीर शांत और शिथिल। चाहे तो बालासन की तरह विश्राम करें, जैसे एक बालक सोता है, धीरे से बीच में आए, चेंज करें, धीरे से बीच में आए, यस, विश्राम। हथेलियां थाइस के नीचे रखिए, अर्धशलभासन के लिए, अर्धशलभासन के लिए हथेलियां थाइस के नीचे रखिए, ठुड्डी को जमीन पे लगाइए, राइट लेग ऊपर उठाइए, स्ट्रेच कीजिए, होल्ड करके रखें, 10 काउंट्स, कमर दर्द वालों के लिए बहुत अच्छी। धीरे से नीचे लेफ्ट लेग उठाइए, होल्ड कीजिए, नीचे रखिए, कमर दर्द धीरे धीरे करेंगे, बाकी के लोग तेजी से चलाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, होल्ड, रोके, चाहे तो अपने घुटने को मोड़ते हुए पंजे को रख दें, होल्ड, रुके रहे, रुके, हाथ पैर हटाए, चेंज करें, दूसरा पैर, स्ट्रेच, होल्ड, रोक के रखें, धीरे से नीचे विश्राम, हाथों को बाहर निकाल लें, रिलैक्स कीजिए, घूम जाइए पीठ के बल आराम से, शरीर को शांत और शिथिल कीजिए, नौकासन के लिए दोनों पैर सीधे, दोनों हथेलियां थाइस के ऊपर रखिए, श्वास भरते हुए दोनों हाथ दोनों पैर से सब ऊपर उठाइए, होल्ड अप, रोके और रुके रहें, रुके, आपका हाथ आपका सिर आपके पंजे एक सीध में रुके रहें, जिनकी कमर में दर्द है सपोर्ट ले सकते हैं, कोहनी कंधे जमीन पे, दोनों पैर नहीं उठते कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ एक एक पैर, बाकी के लोग होल्ड करके रखिए, ब्रीथ कीजिए, चेस्ट को खोलिए, श्वास लेते और छोड़ते रहिए, कमर दर्द वाले एक एक पैर ही ऊपर उठाएंगे, बाकी के लोग दोनों पैर होल्ड करके रखें, ब्रीथ, श्वास लेते और छोड़ते रहिए,
एक एक पैर वाले पैर चेंज कीजिए, धीरे से नीचे आ जाइए, विश्राम, रिलैक्स। आप चाहे तो इसके लिए बेल्ट का सपोर्ट भी ले सकते हैं। एक बार पुनः करेंगे, श्वास भरे, दोनों पैर दोनों हाथ ऊपर। जो लोग इस तरह से नहीं कर पा रहे वो लोग बेल्ट का सपोर्ट भी ले सकते हैं। श्वास लेंगे, छोड़ते हुए होल्ड करेंगे, रोके, कंधे पीछे और रुके रहें, फील करें और ब्रीथ करें। कुछ देर तक इसी तरह से रुके रहें। आपके एब्डोमेन, आपके कोर को सक्रिय होने दें। धीरे से नीचे, विश्राम, रिलैक्स, शिथिल, पूरा शरीर ढीला छोड़ दें। सेतु बंधासना, दोनों पैर घुटनों से मोड़ें, दोनों हथेलियां थाइस के पास, कमर को ऊपर उठा लें, होल्ड, आपकी ठुड्डी को आपकी गर्दन में होना जरूरी है। कोशिश करें जितना अपने शरीर के मध्य भाग को आप ऊपर उठा सकें उतना ऊपर उठाएं। इसकी वजह से हमारी थायराइड ग्लैंड भी एक्टिवेट होती है, हमारी लैग मसल्स भी स्ट्रॉन्ग बनती है, हमारी कमर में भी रिलैक्सेशन आता है। जितनी देर इजीली होल्ड कर सकती करें। फिर धीरे से कमर को नीचे लाते हुए कमर को जमीन की तरफ दबाइए, पैल्विक टिल्ट। ये बहुत अच्छा है, जब हमारी कमर में दर्द है हमें अच्छा लगता है। सेतु बंधासन में हमने कमर ऊपर करी, होल्ड किया, रोका, नीचे लाए, नीचे कमर को जमीन की तरफ दबाया, होल्ड किया एंड रिलैक्स। धीरे से पैर सीधे, विश्राम, कमर की क्रिया के लिए दोनों पैर घुटनों से मोड़ लें, दोनों हाथ साइड में फैला लें, दोनों घुटने राइट साइड में लेकर जाएंगे, गर्दन लेफ्ट साइड जाएगी। इस तरह से जाने के बाद हमारे दोनों घुटने अलग अलग होते हैं, तो कोशिश करके अपने घुटने के ऊपरी हिस्से को नीचे की तरफ लेकर जाए, स्ट्रेच करें, पूरा दबाएं, धक्का मारिए, पुश कीजिए, धीरे से बीच में आए, चेंज कीजिए, दूसरी साइड, यहां से धक्का मारिए, पुश कीजिए अपने ऊपर वाले घुटने को नीचे की तरफ। आपकी कमर में हो रहे खिंचाव को महसूस कीजिए, कूल डाउन है ये। शरीर में जितना रक्त संचरण बढ़ा था धीरे धीरे उसको स्वतः ही सामान्य लाते हुए ब्रीदिंग के साथ जितना अच्छा लग रहा है उतना अच्छा करते चले जाएं। धीरे धीरे क्रॉस कीजिए पैर को, अपने राइट लेग को क्रॉस करते हुए रखे ले जाए दूसरी साइड, स्ट्रेच कीजिए। धीरे से बीच में आए, चेंज कीजिए, लेकर जाए साइड में, स्ट्रेच कीजिए, गर्दन दूसरी तरफ, धीरे से बीच में आए, पैर सीधे, विश्राम, शिथिल, पूरा शरीर ढीला छोड़ दीजिए, आंखें कोमलता से बंद, शरीर शांत और शिथिल, कहीं कोई हलन चलन नहीं, ब्रीथ। जो अब तक किया उसे फील कीजिए, ध्यान आंखों के बीचों बीच एक प्रकाश बिंदु पर, जैसे ये सूर्योदय की किरणें आपके ललाट के मध्य गिर रही हैं। फील कीजिए, ब्रीथ कीजिए, शरीर के मध्य, अपनी दोनों आंखों के मध्य सूर्य की रश्मियों को गिरता हुआ अनुभव कीजिए। श्वास स्वतः ही लंबी और गहरी होती हुई, अब अपने चित्त को दोनों आंखों के मध्य केंद्रित करें, इस प्रकाश का अनुभव करें और
और भीतर भीतर संकल्प दोहराएं, मैं सकारात्मक हूँ, मेरा चित्त शांत एवं प्रसन्न है। भीतर ही भीतर दोहराते चले जाएं। इस रक्त संचरण के साथ शरीर के प्रत्येक सेल, प्रत्येक एटम, प्रत्येक मांसपेशी तक यह संकल्प दौड़ता हुआ। ऑलवेज बी पॉजिटिव, हमेशा सकारात्मक रहिए। धीरे से शरीर के प्रति सजग होएं, पैरों की उंगलियों को हिलाएं और गहरा श्वास भरिए। 3 बार ओंकार का उच्चारण, पैरों की उंगलियों को हिलाएं, हाथों की उंगलियों को हिलाएं, गर्दन दाएं बाएं हिलाएं, स्ट्रेच करें दाएं बाएं और बैठ जाएं। जिस भी आसन में सुखपूर्वक बैठ सकें, भ्रामरी प्राणायाम के लिए आराम से बैठें। सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन, कान बंद, आंखें बंद, 3 बार, बाहर की आवाज सुनाई नहीं आनी चाहिए, 3 बार करेंगे। अच्छे से गुंजन करेंगे श्वास लेके, फिर अच्छे से गुंजन करते हुए पूरा श्वास स्वतः ही छूट जाएगा। कान बंद, आंखें बंद, 3 टाइम्स गुंजन। हाथ धीरे से नीचे ले आए, आंखें बंद है। फील द वाइब्रेशंस इन योर माइंड, अपने मस्तिष्क में इस गुंजन को महसूस कीजिए। नमस्कार मुद्रा, शांति मंत्र, सभी साथ बोलेंगे। सर्वे भवन सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति शांति शांति। दोनों हथेलियां रगड़ेंगे और गरम गरम हथेलियां आंख व चेहरे पर, दोनों हाथ पीछे, श्वास छोड़ते हुए अपनी मातृभूमि को प्रणाम कीजिए। श्वास भरते हुए ऊपर, धीरे से पैर सीधे, दोनों पंजे खींचे अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर एंड रिलैक्स। नमस्कार।